कल शाम को जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसके बाद तब से अब तक की जो सूचना है इस प्रकार से है कि आज के कुल केस 228 पॉजिटिव केसेस आए हैं। इसमें 5 ऐसे हमारे मरीज हैं जो चिकित्सा ले रहे थे, जिनका दुखद अवसान हुआ है, और एक मरीज सारवा लेके, चिकित्सा लेके बिल्कुल अच्छे हो गए हैं और वो घर चले गए हैं डिस्चार्ज होके। अहमदाबाद ज़िले की बात करें तो 140 हमारे केसेस आए हैं आज, उसमें से 15 ही ऐसे केस हैं जो सिम्टोमैटिक हैं, यानी कि पेशेंट्स में बुखार या फिर बुखार के साथ जो श्वास लेने में तकलीफ है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह, इसे सिम्टोमैटिक कहते हैं, लक्षण वाले, इस तरह से माहिती हमें मिली है। और इसके अलावा बाकी जो लोग हैं इन विस्तारों में, जिसे हम हॉटस्पॉट कहते हैं, बहुत ही घनिष्ठ, एक अग्रेसिव घनिष्ठ सर्वेलेंस के भाग रूप से इन सब केसेस को हमने ढूंढ निकाले हैं। और अब तक हमारे पास रैपिड टेस्टिंग किट्स नहीं थे, पर अब रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स जो आ गए हैं, तो यही टेस्ट अब हम बाकी विस्तारों में भी करेंगे, और इन हॉटस्पॉट के विस्तारों में ज़्यादा झोंक हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स के साथ भी करेंगे। और इस एरिया को तो सील कर ही दिया गया है, कर्फ्यू भी लगाया ही गया है, तो यहाँ से जो संक्रमण की साकल या चेन है वो और विस्तारों में न फैल सके, ऐसी पूरी हमारी प्रयोजन है। आज आनंद ज़िले में 1 केस का टेस्टिंग हुआ है पॉजिटिव, बनासकांठा में 2, बोटाद में 1, भावनगर में 2, छोटा उदयपुर में 1, महसाणा में 1, सूरत में भी कर्फ्यू वाले इलाके हॉटस्पॉट में काफ़ी घनिष्ठ प्रोएक्टिव सर्वेलेंस इंटेंसिव हुआ है, उसमें भी 67 केसेस आए हैं, 67 केस आए हैं, वडोदरा में 8 और राजकोट में 5, ऐसे कुल मिला के 228 हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस आए हैं। अभी तक के कुल जो पॉजिटिव केसेस हैं ये बिल्कुल पारदर्शक तौर पर टेस्टिंग को हमने बड़े पैमाने पे हॉटस्पॉट्स और जो कर्फ्यू ग्रस्त विस्तार हैं वहाँ किए हैं, उसकी वजह से केसेस की संख्या में बढ़ाई हुई है। 1604 जितने हमारे पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें से स्टेबल केसेस 1443 हैं और वेंटिलेटर पर 9 केस हैं। और अभी तक अगर टेस्ट्स पर मिलियन का आंकड़ा अगर हम देखें, यानी प्रति 10 लाख कितने टेस्ट कर रहे हैं, तो गुजरात के अंदर आज सवेरे के आंकड़ा सहित 447.81 इतने हम टेस्ट पर मिलियन करे हैं, और आखिर पूरे भारत का जो एवरेज कल तक का था 269 था, तो इससे भी हम कह सकते हैं कि एकंदरे बाकी विस्तारों की तुलना में गुजरात में काफ़ी अग्रेसिव टेस्टिंग हो रहा है। ये एक अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंट बात है, हम कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहते। और इसी तरह से पॉजिटिविटी, यानी कि जितने टोटल टेस्ट कर रहे हैं उसमें से पॉजिटिव कितने हैं, तो वो 5.68 यानी कि लगभग 5.5% जितने हैं, जो पूरे इंडिया का भी कल तक 4-1% था, फिर थोड़ा सा बढ़ के 6% हुआ है, 6%, तो उसी के लगभग उसी लेवल पर हैं। बात ज़रूर है कि हम ज़रा इंटेंसिव टेस्टिंग करके केसेस को ढूंढ निकाल रहे हैं। इसी तरह से केस पर मिलियन अगर देखा जाए, यानी प्रति 10 लाख की आबादी केसेस, पॉजिटिव केसेस कितने आए हैं, तो हमारे यहाँ 19 जितने हैं, तेलंगाना में 20 जितने, यूपी में 20, महाराष्ट्र में 28, तमिलनाडु में भी 19 और दिल्ली में 91 जितने हैं। तो इस मापदंड से भी हमारे यहाँ जो केसेस आ रहे हैं इसकी संख्या में कोई ऐसा बहुत ही बड़ा इंक्रीज हुआ है ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, पर बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हम सबको बिल्कुल सावचेती से रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है उसे बनाए रखना है। नमस्कार।